हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंग्लिश वॉइस क्लासेस। आप सभी का इंग्लिश वॉइस क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। आपने टेंसेस का चार्ट तो सीख ही लिया होगा और मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि मैं आपको अब टेंसेस सिखाऊंगी। टेंसेस यानी कि क्रिया। अब बहुत से स्टूडेंट्स कंप्लेन करते हैं कि मैम हमको वर्ब्स याद ही नहीं होते, तो इसका सोल्यूशन लेके मैं आपके पास आई हूँ। लेकिन मैं आपको वर्ब्स याद तो कराऊंगी ही, लेकिन साथ ही साथ बोलने की प्रैक्टिस भी कराऊंगी, क्योंकि बहुत बार जब आप सिर्फ वर्ब्स को रटते हैं, उनको जब हमको रियल लाइफ में बोलना होता है तो हमें बहुत सी प्रॉब्लम्स आती है। तो आज मैं आपको क्या कराने वाली हूँ, मैं आपको वर्ब्स याद कराऊंगी, साथ ही साथ तीनों फॉर्म को कहाँ यूज करना है, कैसे यूज करना है वो भी सिखाऊंगी। तो जब आप चीजों को इमेजिन करके बोलेंगे तो वो आपके दिमाग में बहुत इजीली बैठ जाएगा, प्लस वर्ब के फॉर्म्स की टेंशन तो खत्म हो ही जाएगी, क्योंकि आगे जब मैं आपको एक एक टेंसेस कराऊंगी मैं वर्ब के फॉर्म्स लिखूंगी, और अगर आपके आपको वर्ब्स के फॉर्म याद नहीं होंगे आपको बहुत दिक्कत आएगी। तो इसलिए टेंसेस स्टार्ट करने से पहले मैं ये वर्ब्स के फॉर्म आपको याद कराने वाली हूँ। अब मैं आपको वर्ब के फॉर्म्स जब याद कराऊंगी, जैसे मैंने आपको बोला, मैं आपको साथ ही साथ इंग्लिश बुलवाऊंगी। वर्ब के तीन फॉर्म होते हैं, ये आपको पता है, फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म। अच्छा, वर्ब्स यानी कि क्रिया, तो मैं ये चीज नहीं समझा रही, ये मैं मान के चल रही हूं। आपको पता है कि वर्ब्स यानी कि इंग्लिश में कोई भी क्रिया, उठना, बैठना, नहाना, धोना, बोलना, कहना, सोना, सोचना, जो भी हिंदी में आप सोच सकते हैं कि एक कोई चीज है, उसे हम इंग्लिश में वर्ब बोलते हैं। अब बहुत सारे वर्ब्स हैं, लेकिन मैं जो कलेक्शन या जो आपको सिखाऊंगी वो डेली लाइफ में यूज आने वाले कुछ वर्ब्स होंगे, ठीक है। चलिए अब देखिए हम इसको बोलेंगे कैसे। ये तीनों फॉर्म है हर वर्ब्स की। मैंने कोशिश किया है कि डेली लाइफ में जितने वर्ब्स यूज होते हैं वो मैं आपको वीडियोस में याद करा दूं। ये वीडियोस दो पार्ट में रहेंगे, एक वीडियो में मैं कुछ वर्ब्स कवर करूंगी और फिर इसके पार्ट टू में जितने हो पाएंगे उतने वर्ब्स कवर करूंगी। बाकी के जो वर्ब्स होंगे वो हम जब आगे टेंसेस पढ़ेंगे साथ ही साथ याद करते जाएंगे, पर ये वर्ब्स आपको याद करने बहुत जरूरी हैं। बहुत स्टूडेंट्स को लगता है कि सिर्फ ईडी ईडी लगा के सेकेंड और थर्ड फॉर्म हो जाता है, ऐसा नहीं होता। बहुत से वर्ब्स होते हैं जिनमें ईडी लगता है, जैसे कि वॉन्ट, वॉन्टेड, वॉन्टेड, लेकिन बहुत सारे ऐसे वर्ब्स हैं जिसमें ईडी ईडी नहीं लगता, और इसलिए बहुत लोग पहनना, जिसका फर्स्ट फॉर्म वियर तो याद होता है, सेकेंड थर्ड फॉर्म को वियर्ड वियर्ड बोल देते हैं। तो वियर के थर्ड फॉर्म और सेकेंड फॉर्म ईडी ईडी लगाकर नहीं बनते। अब देखिए तीन फॉर्म है, आपको बस ये ध्यान रखना है, जो फर्स्ट फॉर्म है वर्ब्स का वो कुछ जो आप करते हैं, जैसे कि मैं पढ़ाती हूँ, बोलती हूँ, सुनती हूँ, खाती हूँ, पीती हूँ, उसके लिए फर्स्ट फॉर्म यूज होगा। सेकेंड फॉर्म जब आपने कोई चीज करी, ठीक है। तो जब आप फर्स्ट फॉर्म बोलेंगे आप ये सोच के इसको याद करेंगे कि आप उस चीज को करते हैं, सेकेंड फॉर्म जब आप बोलेंगे तो आप ये सोच लेंगे कि आपने वो क्रिया की, और तीसरा फॉर्म होगा मैं कर लेता। अब मैं इसके आगे वुड हैव लिख दे रही हूं आपको, क्योंकि मैं कर लेता, चला जाता, बोल देता बोलने के लिए वुड हैव बोलना पड़ता है, और उसके साथ लगती है वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो मैंने जैसा आपको बताया, अगर आप इमेजिन करके क्रियाएं बोलते हुए याद करेंगे तो आपके लिए बहुत ईजी होगा। तो ये कंसेप्ट क्लियर है। फर्स्ट फॉर्म आप रोज की बात कोई चीज करते हैं, सेकेंड फॉर्म जब आप बोलेंगे या याद करेंगे आपने कोई चीज करी, और थर्ड फॉर्म कोई चीज कर लेता, देता, आपने की नहीं लेकिन आप बोल रहे हो मैं कर लेता, चला जाता, बोल देता। तो देखिए ऐसे अगर आज आप क्रियाएं याद करेंगे आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा, क्योंकि आप इमेजिन करेंगे, उस चीज को सोचेंगे, प्लस फॉर्म्स की टेंशन भी खत्म हो जाएगी, प्लस इंग्लिश तो आप मेरे साथ साथ बोलना शुरू कर ही देंगे, है ना। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। इसमें सिर्फ आपको वुड हैव का ध्यान रखना है, अभी मैं टेंसेस में नहीं ले जा रही हूं, आज मैं आपको वर्ब की फॉर्म्स याद कराऊंगी, लेकिन सिर्फ वर्ब की फॉर्म्स बोल के नहीं, उसको आप एक्सपीरियंस करेंगे कि रियल लाइफ में ये चीज हो रही है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले मैंने कुछ कलेक्ट किए हैं ऐसे वर्ब्स, और मैं ऐसे वर्ब्स आपको सिखाऊंगी जिसमें ऑट लगता है। मैं हर वर्ब को बोल के बताऊंगी ताकि प्रोनंसिएशन यानी कि उच्चारण भी क्लियर हो जाए। सबसे पहला है टीच, टॉट, टॉट, जिसका मतलब होता है पढ़ाना, जो क्रिया मैं कर रही हूं। अब हम इसको कैसे याद करेंगे, आई को हम हमेशा लेंगे, आप ये मानेंगे कि आप ये क्रिया कर रहे हैं, आप मेरे साथ साथ बोलिएगा तो आप याद भी कर पाएंगे, प्लस वो चीज को इमेजिन भी कर पाएंगे। तो अगर आप रोज पढ़ाते हैं आई टीच, मैंने पढ़ाया बोलना है अगर मुझे, तो मैं बस आई के बाद वर्ब का सेकंड फॉर्म बोल दूंगी आई टॉट, और अगर मुझे बोलना है मैं पढ़ा लेती तो मैं बोलूंगी आई वुड हैव वर्ब का थर्ड फॉर्म टॉट। क्लियर है ये चीज। फर्स्ट फॉर्म मैं पढ़ाती हूं, सेकंड फॉर्म किस लिए, मैंने वो चीज कर ली आई टॉट, आई के बाद सीधे आप सेकंड फॉर्म बोलेंगे, और थर्ड फॉर्म
आई वुड हैव के बाद आप थर्ड फॉर्म बोलेंगे और उसका मतलब क्या हो जाएगा, मैं पढ़ा लेती, पढ़ा देती, है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पढ़ाना आई टीच, आई टॉट, आई वुड हैव टॉट, पढ़ाने के लिए टीच, टॉट, टॉट। दूसरा है बाय, बॉट, बॉट, खरीदने के लिए हम बाय क्रिया का यूज करेंगे। अगर आपको इंग्लिश में बोलना है खरीदना, बाय, बॉट, बॉट। तो इसको प्रैक्टिस कैसे करेंगे, मैं खरीदता हूं, अगर आप रोज कोई चीज खरीदते हैं आई बाय, मैंने खरीद लिया, अगर आपको बोलना है मैंने खरीद लिया आई बॉट, और अगर आपको बोलना है मैं खरीद लेता आई वुड हैव बॉट। सिंपल, देखिए ये बेस्ट तरीका है क्रियाओं को याद करने का और मैं आपको ऐसे ही याद कराऊंगी। आगे देखिए ब्रिंग, ब्रॉट, ब्रॉट। अब ब्रिंग में ईडी लगा के सेकंड थर्ड फॉर्म नहीं बनेगा, ब्रिंग का मतलब होता है किसी चीज को लाना। तो अगर आपको कहना है मैं ये चीज लाता हूं तो आप क्या बोलेंगे, आई ब्रिंग, मैं ये चीज ले आया आई ब्रॉट, मैं ये चीज ले आता आई वुड हैव ब्रॉट। सिंपल, ब्रिंग, ब्रॉट, ब्रॉट। आगे बढ़ते हैं फाइट, फॉट, फॉट। प्लीज इसको आउट मत कीजिए, इसलिए मैं एक एक वर्ब आपको सिखा रही हूं। फाउट नहीं होता, ये फॉट होता है, बहुत से बच्चे इसको फाउट बोलते हैं। फाइट, फॉट, फॉट, फाइट यानी कि लड़ना। अब आपको अगर बोलना है यार वो रोड लड़ता है, आप खुद के लिए नहीं बोल रहे, मान लीजिए श्याम, श्याम फाइट्स एवरीडे, ये एस वाला पंगा हम आगे टेंसेस में सीखेंगे, श्याम फाइट्स एवरीडे। अब आपको बोलना है श्याम लड़ा तो आप बस क्या कर देंगे, श्याम फॉट। और अगर आपको बोलना है राम लड़ लेता, मैंने इसलिए उसको कुछ नहीं कहा, या श्याम लड़ लेता, तो आप बोलेंगे श्याम वुड हैव, वर्ब का थर्ड फॉर्म फॉट। तो यहां तक क्लियर है, टीच, टॉट, टॉट, पढ़ाना, बाय, बॉट, बॉट, किसी चीज को खरीदना, ब्रिंग, ब्रॉट, ब्रॉट, किसी चीज को लाना। साथ साथ बोलिए, वर्ब्स की सारी टेंशन खत्म हो जाएगी, और अगर वर्ब्स क्लियर हैं तो टेंसेस आपको बहुत आसान लगेंगे। फाइट, फॉट, फॉट, किसी से लड़ना। अब मैं आगे ऐसे ही आपको सिखाऊंगी, कैच, कॉट, कॉट। अगर मुझे बोलना है मैं गेंद पकड़ती हूं, मैं बॉल पकड़ती हूं, आई कैच द बॉल, मैंने गेंद पकड़ ली आई कॉट द बॉल, मैं गेंद पकड़ लेती, पकड़ी नहीं पकड़ लेती, आई वुड हैव कॉट द बॉल। कैच, कॉट, कॉट, किसी चीज को पकड़ना, लेकिन आप ध्यान रखेंगे हवा में पकड़ने को कैच बोलते हैं, अगर आप हाथ में कोई चीज पकड़ाएंगे उसके लिए मैं आपको अलग वर्ब सिखाऊंगी, कैच, कॉट, कॉट। अब देखिए यहां तक जो वर्ब्स थे ये थे ऑट वाले, याद रहेंगे ये सारे मैंने वर्ब्स कलेक्ट कर लिए हैं जिसमें ऑट आता है, टीच, टॉट, टॉट, बाय, बॉट, बॉट, ब्रिंग, ब्रॉट, ब्रॉट, फाइट, फॉट, फॉट, कैच, कॉट, कॉट। मैं बार बार इन वर्ड्स को बोल रही हूं ताकि जब आप ये वीडियो देखें एंड तक ये वर्ब्स आपके दिमाग में बैठ जाएं। टीच पढ़ाना, बाय खरीदना, ब्रिंग लाना, फाइट लड़ना, कैच पकड़ना। अब आगे बढ़ते हैं, ये तो थे ऑट वाले वर्ब्स। अब देखिए बहुत सारे वर्ब्स में लास्ट में एन लगता है तो वो सारे वर्ब्स भी प्रैक्टिस करते हैं। सबसे पहले है किसी चीज को तोड़ना, तोड़ने को हम इंग्लिश में बोलते हैं ब्रेक, ब्रेक, ब्रोक, ब्रोकन। प्रोनंसिएशन देखिएगा नहीं तो फिर आप इसको बोग बोकन करेंगे, ब्रेक, ब्रोक, ब्रोकन, किसी भी चीज को तोड़ना। तो अगर मैं कहूंगी मैं इसे तोड़ देती हूं, रोज की बात है, आई ब्रेक इट, मैंने ये तोड़ दिया, बस आपको आई के बाद क्या बोलना होगा, सेकेंड फॉर्म, आई ब्रोक इट। अब अगर आपको बोलना है यार मैं तोड़ देती पर मैं भूल गई तो मैं बोलूंगी आई वुड हैव ब्रोकन इट। फिर प्रैक्टिस करते हैं, आई ब्रेक, आई ब्रोक, I would have broken. आप साथ साथ बोलेंगे तो ये कहीं ना कहीं आपके दिमाग में सेट होता जाएगा। तोड़ने के लिए break, broke, broken. Clear? अब वैसे ही forget, forgot, forgotten. अब आप समझ रहे हैं सेकेंड फॉर्म याद करने कितने जरूरी है, नहीं तो आप ये नहीं बोल पाएंगे कि आप ये चीज कर लेते, या थर्ड फॉर्म अगर याद नहीं होगी, और अगर सेकेंड फॉर्म याद नहीं है तो मैंने ये कर दिया बोलना इंग्लिश में नामुमकिन है। तो पूरा खेल वर्ब के फॉर्म्स का है। चलिए forget, भूलना, forgot second form, forgotten third form. अब मान लीजिए आपको बोलना है यार मैं भूल जाती हूँ, रोज की बात, I forget, यार मैं भूल गई, I forgot, मैं भूल जाती, थैंक यू तुमने मुझे याद दिला दिया, I would have forgotten. अब ये मत सोचिएगा थर्ड फॉर्म सिर्फ would have के साथ लगता है परफेक्ट टेंसेस में जो मैं आगे सिखाऊंगी, लेकिन एक example के साथ आप बोलेंगे तो वो easy होगा, इसलिए मैंने would have को as example लिया है, ठीक है। तो आई फॉरगेट, मैं भूल जाती हूं, आई फॉरगॉट, मैं भूल गई, आई वुड हैव फॉरगॉटन, मैं भूल जाती, फॉरगेट, फॉरगॉट,
forgotten. प्लीज इसको forgotten मत कहिएगा, forgotten. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. ग्रो उगाना, grew उगना, grown थर्ड फॉर्म. अब ग्रो के दो मतलब होते हैं, एक तो उगाना कोई चीज है ना, जैसे हम पौधे उगाते हैं या खेती करते हैं. जैसे मैं अगर बोलूंगी मेरी जो सासू माँ है, मदर इन लॉ है, उनको पौधे उगाना बहुत पसंद है, तो मैं कहूंगी माई मदर इन लॉ लाइक्स टू ग्रो प्लांट्स. अगर मैं बोलूंगी उनने बहुत सारे पौधे उगाए, तो मैं कहूंगी माई मदर इन लॉ, सासू माँ को मदर इन लॉ कहते हैं, तो मैं कहूंगी माई मदर इन लॉ grew a lot of plants. देखिए अब मैंने grow की जगह grew कर दिया. अब मुझे अगर कहना है, अगर मम्मी के पास टाइम होता तो मेरी सासू माँ और बहुत सारे पौधे उगा लेती, तो मैं कहती माय मदर इन लॉ वुड हैव ग्रोन. अब मैं ग्रो ग्रू वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज करूंगी, शी वुड हैव ग्रोन अ लॉट ऑफ प्लांट्स. तो ग्रो ग्रू ग्रोन, देखिए मैं कैसे बोल रही हूँ, ग्रो ग्रू ग्रोन, बार बार बोल रही हूँ ताकि आप इसको कुछ ऐसा ना बोल दें. ग्रो ग्रू ग्रोन, इसको बहुत से लोग ग्रो ग्रू, देखिए ग्रो रो की आवाज आनी है, ग्रो ग्रू ग्रोन, तो र का प्रोनंसिएशन प्रोमिनेंट होना है. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. विन वॉन वॉन, अब विन में प्लीज विंड मत कर दीजिएगा, विंड हवा हो जाएगी. विन यानी कि जीतना, विन फर्स्ट फॉर्म, वॉन सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म भी वॉन होता है. तो एग्जाम्पल के साथ बोलते हैं, मैं जीतती हूं, अगर मैं मेहनत करती हूं तो मैं हर बार जीतती हूं, तो आप बोलेंगे आई विन, मैं जीत गया, आई वॉन, और मैं जीत जाता, आई वुड हैव वॉन. क्लियर, आई विन, आई वॉन, मैं जीत गया, आई वुड हैव वॉन, विन वॉन वॉन. क्लियर, ऐसे बोलेंगे, दिमाग में रखेंगे कि ठीक है मैं जीत जाता हूं, आई विन, सेकेंड फॉर्म मैं जीत गया, आई वॉन, और मैं जीत जाता, आई वुड हैव वॉन. तीनों फॉर्म जरूरी हैं अगर आप डेली लाइफ में इंग्लिश में बात करना चाहते हैं. बहुतों को क्योंकि वर्ब के फॉर्म ही याद नहीं होते, वर्ड क्लिक नहीं होते, जैसे मेरे स्टूडेंट्स कहते हैं मैम याद ही नहीं आते वर्ब्स, क्योंकि आप उनको सिर्फ रट रहे हैं. उनको सोचिए, एक सिचुएशन में पिरोइए और फिर उसको बोलिए. तो ये क्लियर थे, आगे बढ़ते हैं. नो न्यू नोन, सेम फंडा है, फर्स्ट फॉर्म में आप वो चीज करते हैं, सेकेंड फॉर्म में वो चीज करी, और थर्ड फॉर्म में आप वो चीज कर लेते. ठीक है, चलिए, तो नो, अब इसको प्लीज कनो मत कीजिएगा, के एन ओ डब्ल्यू का मतलब है किसी चीज को जानना, मैं जानती हूं. ठीक है, इसलिए लोग बोलते हैं आई नो. नो का सेकेंड फॉर्म न्यू होता है, के साइलेंट होता है, आप कैन यू नहीं करेंगे, नो न्यू, और थर्ड फॉर्म फिर के साइलेंट होगा, आप बोलेंगे नो. तो किसी चीज को जानने के लिए तीनों फॉर्म है, नो न्यू नोन. अब एग्जाम्पल लेते हैं, अगर मुझे बोलना है मैं जानती हूं, आई नो, मैंने जान लिया जो भी जानना था या मुझे पता था, मैं कहूंगी आई न्यू. और अरे यार मुझे पता लग जाता, मैं जान जाती उस चीज को, तो मैं बोलूंगी आई वुड हैव नो का थर्ड फॉर्म नोन, नो न्यू नोन. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. फ्लाई फ्लू फ्लोन, इसका मतलब है उड़ना. ठीक है, फ्लाई फ्लू फ्लोन, स्पेलिंग एफ एल ओ डब्ल्यू एन, प्रोनंसिएशन फ्लाई उड़ना, सेकेंड फॉर्म फ्लू, थर्ड फॉर्म फ्लोन. अब मान लीजिए चिड़िया उड़ती है, रोज की बात है, अभी नहीं उड़ी पर उड़ती है, तो मैं कहूंगी बर्ड फ्लाइज, अगर बर्ड्स होंगी तो फ्लाई, ज्यादा चिड़िया हैं तो बर्ड्स फ्लाई, चिड़ियाएं उड़ गई या चिड़िया उड़ गई, बर्ड फ्लू, और चिड़िया उड़ जाती, अच्छा हुआ तुमने पिंजरा बंद कर दिया, तो मैं बोलूंगी बर्ड वुड हैव फ्लोन. याद रहेगा तीनों फॉर्म कहाँ कहाँ यूज हो रहे हैं, फर्स्ट फॉर्म रोज की बात, जो चीज हो गई वो उसके लिए सेकेंड फॉर्म, और जो चीज हो जाती थर्ड फॉर्म. तो फ्लाई फ्लू फ्लोन, चिड़िया उड़ती है, चिड़िया उड़ गई, चिड़िया उड़ जाती, फ्लाई फ्लू फ्लोन. आगे बढ़ते हैं. हाइड हिड हिडन, हाइड यानी कि छुपाना. अब बहुत से लोगों को फर्स्ट फॉर्म तो पता होता है, लेकिन जहां उनको बोलना होता है सेकंड फॉर्म, वो अटक जाते हैं या हाइड में ईडी लगा के बोल देते हैं, जैसे कि हाइडेड. याद रखिए इंग्लिश में हाइडेड नाम का कोई शब्द नहीं होता है. हाइड फर्स्ट फॉर्म, हिड एच आई डी सेकेंड फॉर्म, और एच आई डी डी ई एन हिडन यानी कि थर्ड फॉर्म. तो अगर मुझे बोलना है मैं सारी चीजें छुपा देती हूँ, तो मैं बोलूंगी आई हाइड एवरीथिंग, मैंने सारी चीजें छुपा दी पास, तो मैं बोलूंगी आई हिड एवरीथिंग. और अगर मैं बोलूंगी मैं सारी चीजें छुपा लेती देती,
छुपाई नहीं पर मैं छुपा लेती, अगर मुझे पता होता है चोर आने वाले हैं तो मैं बोलूंगी आई वुड हैव हिडन. क्लियर? हाइड, हिड, हिडन. फिर आते हैं नेक्स्ट वर्ब में टेक, टुक, टेकन. अब ये तो सुन के पता लग रहा होगा टेक यानी कि लेना, took second form और taken third form. तो अगर मैं बोलूंगी कि मैं rest लेती हूँ, I take rest. मैंने rest किया या मैंने rest लिया, I took some rest. मैं rest ले लेती या कर लेती, I would have taken rest. ठीक है, एक और एग्जाम्पल देखते हैं. मैं हर रोज ये चीज लेती हूँ, I take it every day. अब आप बादाम की बात करें या किसी भी चीज की बात करते हैं, I take it every day. मैंने ये चीज ली, past, I took it. मैं ये चीज ले लेती, अगर मुझे पता होता नोट्स यहाँ है मैं ले लेती, I would have taken it. Take, took, taken. आगे बढ़ते हैं. Yes, इसको तो पहनाना पड़ेगा ताज, क्योंकि ये है सबसे ज्यादा गलती इस वर्ब में की जाती है, पहनना. पहनना एक क्रिया है, आप कपड़े पहनते हैं, आप मेकअप पहनते हैं, आप परफ्यूम्स पहनते हैं. इंग्लिश में हम परफ्यूम्स को वियर करते हैं. अब इसको वेयर मत बोला कीजिए, तो वियर यानी कि पहनना. ठीक है, वियर पहनना. अब वियर का सेकंड फॉर्म वियर्ड नहीं होता, वियर्ड इंग्लिश में मतलब होता है अजीब सा. तो वियर के फॉर्म्स क्या हैं? वियर फर्स्ट फॉर्म, वोर सेकंड फॉर्म, वियर वोर थर्ड फॉर्म वोर. अब एग्जांपल में करते हैं, इमेजिन कीजिए अगर मैं बोलूंगी मैं बहुत ब्लैक कपड़े पहनती हूँ, ब्लैक मेरा फेवरेट कलर है, तो मैं बोलूंगी आई वियर ब्लैक कलर. मैंने ब्लैक कलर पहना, वैसे आज भी मैंने ब्लैक कलर पहना हुआ है, मुझे ब्लैक कलर बहुत ही पसंद है. अगर मैं कहूंगी मैंने कल ब्लैक कलर पहना, तो मैं क्या कहूंगी आई वोर ब्लैक कलर यस्टरडे. अरे यार मैं ब्लैक कलर पहन लेती, अगर मुझे पता होता कि तुम भी ब्लैक पहनने वाले हो तो मैं कहती मैं ब्लैक पहन लेती, आई वुड हैव वियर का थर्ड फॉर्म वॉर्न ब्लैक कलर. ठीक है, आई वियर, आई वोर, I would have worn. I wear यानी कि मैं पहनता हूं या पहनती हूँ, I wore यानी कि मैंने पहना, और मैं पहन लेता या पहन लेती, I would have worn. Wear, wore, worn, पहनना. आगे बढ़ते हैं, steal, stole, stolen. Steal यानी कि चुराना, कोई भी चीज की चोरी होना उसको हम कहते हैं steal. Second form stole और third form stolen. Steal, stole, stolen. तो अब रोज की बात, उन लोग चोरी करते हैं, वो लोग चोरी करते हैं, दे स्टील. उन लोगों ने चोरी की, दे स्टोल. वो लोग चोरी कर लेते, अगर पुलिस नहीं आती, दे वुड हैव स्टोलन. दे स्टील, रोज की बात, दे स्टोल, उन लोगों ने चोरी की, दे वुड हैव स्टोलन, वो चोरी कर लेते. तीनों फॉर्म्स बोल बोल के याद कीजिए, सिर्फ स्टील, स्टोल, स्टोलन नहीं, ऐसे बोला कीजिए. आई किसी का भी नाम लीजिए या चोरों के लिए, दे स्टील, they stole, they would have stolen. वो चोरी करते हैं, उन्होंने चोरी की, वो चोरी कर लेते. आगे बढ़ते हैं, throw, threw, thrown. अब इसमें थू था, थू मत कीजिएगा, throw यानी कि फेंकना. अब सेकेंड फॉर्म थ्रोड नहीं होता, इसीलिए मैं कह रही हूं हर क्रिया में ईडी नहीं लगता. थ्रो फेंकना, थ्री सेकेंड फॉर्म, थ्रोन थर्ड फॉर्म. ठीक है, तो एग्जाम्पल लेते हैं. मैं पेपर फेंकती हूँ, मान लीजिए रोज की बात है, मैं खिड़की से पेपर फेंकती हूँ, आई थ्रो पेपर. बस मैं क्या कर रही हूँ, आई के बाद फर्स्ट फॉर्म. मैंने पेपर फेंक दिए, पास्ट, आई थ्रू पेपर्स. और मैं फेंक देती, थैंक गॉड तुमने मुझे बता दिया ये अर्जेंट पेपर थे या इंपॉर्टेंट पेपर थे, नहीं तो मैंने फेंक देती, आई वुड हैव थ्रोन द पेपर्स. आई थ्रो, आई थ्रू, आई वुड हैव थ्रो, थ्रो, थ्रू, थ्रो. याद रहेगा, थ्रो फेंकना, सेकेंड फॉर्म थ्रू, थर्ड फॉर्म थ्रो. I throw, I threw, I would have thrown. I या कोई सब्जेक्ट लगा के बोलिए, सिर्फ throw, threw, thrown बैठ के रटिए मत, जाप मत कीजिए, उसको सोचिए. I throw, मैं फेंकती हूँ, I threw, मैंने फेंक दिया, I would have thrown, मैं फेंक देता या देती. आगे बढ़ते हैं, write, wrote, written. ये बड़ा सिंपल सा है, write यानी कि लिखना, तो सेकेंड फॉर्म wrote और थर्ड फॉर्म written. अब देखिए, I write, मैं लिखती हूँ, मान लीजिए कोई कह रहा है कि मैं पत्र लिखता हूं, मेरी आदत है, रोज की बात है, आई राइट लेटर्स. मैंने चिट्ठी लिखी, आई रोट अ लेटर. राइट, रोट, मैं चिट्ठी लिख देता यार, टाइम ही नहीं मिला, आई वुड हैव रिटन अ लेटर. क्लियर? राइट, रोट, रिटन, थर्ड फॉर्म रिटन, राइट, रोट, रिटन. मैं बार बार क्यों कहती हूँ अपने वीडियोस में सारे वर्ड्स, ताकि जब तक आप वीडियो सुने ये सारे वर्ड्स कहीं ना कहीं आपके दिमाग में बैठ जाए. तो राइट, रोट, रिटन. राइट फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड, आर आई जी एच टी नहीं, ठीक है, वो सीधा हो जाएगा या दाएं बाएं वाला राइट हो जाएगा. राइट, डब्ल्यू,
रोट, डब्ल्यू साइलेंट रहता है, रिटन। आगे बैठते हैं, यस इसको भी पहनाना पड़ेगा ताज, क्योंकि इसमें आप पे देंगे चू चा चू। चूज यानी कि चुनना। अब देखिए अगर आप बोलते हैं कि यार मैं अगर बोलूंगी मैं अपने कपड़े खुद चुनती हूँ, चूज, चूज का सेकंड फॉर्म चोज। अब चूज का सेकंड फॉर्म बहुत बच्चे जब मैं पूछती हूँ, और मैं बहुत बार उन पे हंसती भी हूँ कि मैम चूज का सेकंड फॉर्म चूज, चूज चोज चोजन, इसको चूजन मत कीजिएगा, थर्ड फॉर्म चोजन है। मैं चुन चुन के वर्ब्स लाई हूँ क्योंकि इतने साल पढ़ा के मुझे पता है कि लोग आम तौर पे किन वर्ब्स के साथ गड़बड़ी करते हैं, और मैं बिल्कुल नहीं चाहती कि आप इन वर्ड्स को गलत प्रोनाउंस करें। तो चूज बिल्कुल आम सी क्रिया है, चुनना चूज, सेकेंड फॉर्म चोज और थर्ड फॉर्म चोजन, चूजन नहीं चोजन। तो अगर मैं बोलूंगी मैं अपने कपड़े खुद चुनती हूँ, आई चूज माई क्लोथ्स माई सेल्फ, आई चूज मैंने चुना ये कपड़ा मैंने चुना, तो आई चोज, और मैं चुन लेती यार मैं जा ही नहीं पाई, नहीं तो मैं अपने लिए कपड़े खुद चुन लेती, तो मैं बोलूंगी आई वुड हैव चोजन, आई चूज आई चोज आई वुड हैव चोजन। प्रोनंसिएशन देख रहे हैं आप, आई चूज आई चोज आई वुड हैव चोजन। अब देखिए ये जो थर्ड फॉर्म है ये वुड हैव के साथ लगेगा, ठीक है, आई वुड हैव चोजन, चुनना चूज चोज चोजन। नेक्स्ट है ब्लो ब्लू ब्लोन। अब ब्लो के दो मतलब हैं, ब्लो एक तो होता है फूक मारना, है ना, जैसे केक काटने से पहले हम कैंडल को क्या करते हैं फूकते हैं, तो ब्लो एक तो ब्लो का मतलब ये होता है, एक ब्लो होता है हॉर्न बजाना, इसलिए आपने देखा होगा प्लीज ब्लो हॉर्न, ब्लो यानी कि हॉर्न बजाना, तो ये दोनों वर्ब्स इसके मतलब होते हैं। तो ब्लो फर्स्ट फॉर्म, ब्लू सेकेंड फॉर्म, इसको ब्लू ब्लू मत करना, ब्लो ब्लू, और ये ब्लोवन नहीं है ब्लोन है, W देके बहुत से लोग इसको ब्लोवन बोल देते हैं, ब्लो ब्लू ब्लोन। एग्जाम्पल लेते हैं, मैं केक जब काटती हूं तो कैंडल्स बुझाती हूँ, आई ब्लो कैंडल्स, मैंने कैंडल्स बुझा दी, आई ब्लू कैंडल्स, और मैं कैंडल्स बुझा देती पर मैं भूल गई, आई वुड हैव ब्लोन कैंडल्स, ब्लो ब्लू ब्लोन, ठीक है। तो ये थे कुछ वर्ब्स, आई एम श्योर अगर आप इस वीडियो को ध्यान से देखेंगे और मेरे साथ साथ इन वर्ब्स को बोलेंगे तो ये वर्ब्स आपके लिए बहुत इजी हो जाएंगे, और सिर्फ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म नहीं आप सेकंड और थर्ड फॉर्म को भी यूज कर पाएंगे। ये ध्यान रखें कि बिना सेकंड और थर्ड फॉर्म के आप पूरी इंग्लिश नहीं बोल पाएंगे। तो इन वर्ब्स के अलावा बहुत सारे वर्ब्स हैं, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वेट कीजिए, मैं अगला वीडियो भी लाऊंगी जिसमें आप सीख पाएंगे और ऐसे बहुत सारे वर्ब्स जो ईडी ईडी लगा के नहीं बोले जाते। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो, प्लीज अगर आप पहली बार हमको देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अगले वीडियो को जरूर देखें, वर्ब्स का पार्ट टू, जिसमें हम सीखेंगे नए नए वर्ब्स। मिलते हैं अगले वीडियो में, आज के लिए इतना ही, थैंक यू, बाय बाय।